तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हो चुका है। इसमें राजस्थान के 4 सांसदों गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव और भागीरथ चौधरी को जगह मिली है। इनमें 3 चेहरे रिपीट हुए हैं, जबकि अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी एक नया चेहरा है। सबसे चौंकाने वाला चेहरा राजस्थान के अजमेर सीट से बीजेपी के सांसद भागीरथ चौधरी ही हैं, जिन्होंने अजमेर सीट कांग्रेस उम्मीदवार रामचंद्र चौधरी को हराकर दूसरी बार जीत दर्ज की है। अब ऐसी चर्चा है कि इसमें रविंद्र सिंह भाटी का एक बड़ा रोल है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार में ऐसी चर्चा क्यों हो गई है। आपको बता दें कि राजस्थान की बहुचर्चित सीट बाड़मेर जैसलमेर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, जिसमें भाटी ने कैलाश चौधरी के वोटों पर सेंध मारते हुए उनसे ज्यादा वोट हासिल किए। हालांकि इस चुनाव में उम्मीदवार विजयी हुए, माना जा रहा है कि यदि रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ते तो शायद कैलाश चौधरी फिर से चुनाव जीतते और वापस मोदी कैबिनेट का हिस्सा होते। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा ने 14 सीटों पर जीत कायम की, जिसमें 2 सांसद जाट समुदाय से आते, जिनमें भागीरथ चौधरी और पीपी चौधरी का नाम शामिल है। पिछली सरकार में कैलाश चौधरी केंद्र में मंत्री बने थे, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए, जिसका सीधा फायदा भागीरथ चौधरी को मिला है। इसके साथ ही प्रदेश की जाट बाहुल्य सीट मानी जाने वाली झुंझुनू सीकर और नागौर समेत पूरे शेखावाटी में भाजपा का सफाया हो गया। ऐसे में भाजपा आगामी नगर निकाय और उपचुनाव को लेकर जातिगत समीकरण साधना चाहती है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में अजमेर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रज्जू झुंझुनवाला को हराया था और इस बार उन्होंने अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार को हरा कर जीत दर्ज की है, जिसके बाद उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल चुकी है। इस बात की भी खूब चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में रविंद्र सिंह भाटी की वजह से ही भागीरथ चौधरी को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से बीजेपी ने जाट बाहुल्य इलाकों को साधने का प्रयास किया है, जाट वोटर्स को साधने का प्रयास किया है, उसी के लिए भागीरथ चौधरी को जगह मिली है। और अगर कैलाश चौधरी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से जीत हासिल करते तो शायद भागीरथ चौधरी की जगह ये नाम कैलाश चौधरी का ही होता। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।